सी अगर हम डायनामाइट की बात करें तो एज वी नो कि लाइक इसके नेगेटिव अगर पॉइंट्स हैं तो इसके पॉजिटिव भी पॉइंट है. इट मीन्स कि जब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट होती है Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Susmita and today we are going to talk about Nobel Prizes of 2024. So here we go. When it comes to Nobel Prizes 2024, so prizes were first awarded in 1901 by the Nobel Foundation. So Nobel Foundation क्यों establish करा गया था और किन के कहने पर करा गया था, इन चीज़ों के बारे में हम आगे में बात करेंगे. So Nobel Foundation के थ्रू ये 1901 में फर्स्ट बार इसे अवार्ड करा गया था नोबेल प्राइजेस को. नोबेल्स विल इंडिकेटेड दैट द अवार्ड्स शुड बी ग्रांटेड इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड वन मोर थिंग दैट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जो था एक्चुअली 1901 से जब इसे इंट्रोड्यूस करा गया था, इस्टेब्लिश करा गया था और जो अवार्ड्स मिलते थे, 1968 में इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया एज अ कैटेगरी और इसमें भी अब नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं. इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द 1895 विल ऑफ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल इन द ईयर बिफोर ही डाइड. सो इन 1896 अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक केमिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड ऑल्सो ही वॉज एन इंजीनियर. सो 1896 में जब उनकी डेथ हुई उसके पहले एक साल पहले उन्होंने एक विल बनाया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन करा था कि उनके डेथ के बाद ये नोबेल फाउंडेशन एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश करा जाएगा जिसमें जो भी पीस हो गई, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब जो अलग अलग कैटेगरीज और फील्ड्स हैं इसमें जिन्होंने अच्छा वर्क करा होगा उन्हें ये प्राइस मिले जाएंगे. नेक्स्ट द प्राइज सेरेमनीज टेक प्लेस एनुअली. ये एवरी ईयर इसे स्टेब्लिश करा जाता है, एवरी ईयर इसमें प्राइज दिए जाते हैं. ईच रिसिपियंट्स नोन एज अ लॉरिएट रिसीव्स अ ग्रीन गोल्ड मेडल प्लेटेड विद 24 कैरेट गोल्ड एंड अ डिप्लोमा एंड मोनिट्री अवार्ड. सो मोनिट्री अवार्ड में हम करें तो अराउंड 8 करोड़ के आसपास आप इसे अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ के आसपास जो रुपीज़ होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं और इन्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं जो अलग अलग हमारे लॉरेट होते हैं, जो अलग अलग हमारे केमिस्ट या फिजिसिस्ट होते हैं. नेक्स्ट अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल. सो अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने ही ये विल किया था 1895 में और इन्हीं के नेम से नोबेल फाउंडेशन चलता है. इट मीन्स कि ही वॉज अ एक्चुअली सक्सेसफुल एंड वेरी वो उनके पास पैसे बहुत सारे थे तो उन्होंने ये जो नोबेल फाउंडेशन है उसमें अपना 94% के अराउंड उन्होंने अपनी जो नेटवर्थ है वो उसमें उन्होंने सबमिट कर दिया था, उनके नाम कर दिया था. सो डेट जो उनसे आपके इंटरेस्ट आते हैं, इंटरेस्ट जो आता है उसी बेसिस पे उसी अमाउंट से ये प्राइस दिए जाते हैं, दिस नोबेल प्राइज. सो ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे ही वॉज बॉर्न इन 21 अक्टूबर 1833 एंड वाज डाइड इन 10 दिसंबर 1896. और यही रीज़न है कि एवरी ईयर 10th दिसंबर को ही ये प्राइस दिए जाते हैं. इट मीन्स अक्टूबर में डेफिनेटली इसे अनाउंस कर दिया जाता है डेट हु इज़ गोइंग टू हैव द नोबेल प्राइज, बट इसे दिया जाता है, अवार्ड किया जाता है ऑन 10th ऑफ दिसंबर ऑन हिज डेथ डे. ही वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर एंड अ बिजनेस मैन. ही इज़ नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट एज वेल एज हैविंग. सी अगर हम डायनामाइट की बात करें तो एज वी नो कि लाइक इसके नेगेटिव अगर पॉइंट्स हैं तो इसके पॉजिटिव भी पॉइंट है. इट मीन्स कि जब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट होती है, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में इसका यूज़ करा जाता है तो इसे एक नेगेटिव तरीके से भी लिया जाता है डायनामाइट को. डैट्स वाई वो चाहते थे कि उन्हें नेगेटिव परस्पेक्टिव से लोग उन्हें याद ना करें, इसलिए उन्होंने नोबेल फाउंडेशन के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए बोला था.
सो दिस ईयर अगर 2024 की बात करें तो ये कुछ लिस्ट हैं जिसमें 2024 में, क्योंकि अक्टूबर में ही इसे अनाउंस कर दिया जाता है कि किने किने मिलने वाला, सो इस मंथ में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया. सो दिस इज़ द लिस्ट. सो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स फॉर जॉन जे होपफील्ड, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, एंड जोफ्री ई हिंटन, जो कि ब्रिटिश कैनेडियन साइंटिस्ट, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज गॉड फादर ऑफ ए आई, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दे आर गोइंग टू बी गिवन दिस अवार्ड फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. नेक्स्ट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2024 इज गोइंग टू बी गिवन टू डेविड बेकर. ही इज एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, एंड ऑल्सो टू मोर पर्सन डैट इज डेमिस हेसेबिस, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, एंड जॉन एम जम्पर, जो कि अमेरिकन केमिस्ट एंड साइंटिस्ट. दे आर गोइंग टू बी गिवन फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024, एज आई हैव टोल्ड यू कि सिक्स डिफरेंट फील्ड्स में दिए जाते हैं, जिसमें से आपने देखा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, नेक्स्ट इज योर फिजियोलॉजी और मेडिसिन. इसमें विक्टर एम्ब्रोज, जो कि अमेरिकन डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट है, एंड गैरी रुवकॉन, जो कि अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं. सो दे आर गोइंग टू बी गिवन, एंड किस पर्पस से, लाइक क्या रीज़न है उन्हें देने का, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन. ये आपकी थ्री कैटेगरीज हो गए. नेक्स्ट आपके जो थ्री फील्ड्स हैं, डैट इज़ इन लिटरेचर. लिटरेचर में आपके हैन कैंग को दिया जा रहा है, जो एक साउथ कोरियन राइटर है, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज डैट कन्फर्म्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. नेक्स्ट योर पीस प्राइज, इट इज़ गोइंग टू बी गिवन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. पीस प्राइज क्या होता है कि समटाइम्स किसी पर्सन को भी दिया जाता है, एंड समटाइम्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी. सो दिस ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन को इसे अवार्ड किया जा रहा है, डैट इज़ निहोन हिडेनक्यो, जो कि जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स एंड फॉर डेमोस्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमोनी डैट न्यूक्लियर वीपन्स मस्ट नेवर बी यूज अगेन. And the last, that is economic sciences. As I have told you that in the starting, like 1901 में first time जब दिया गया था, there were only five fields, but 1968 में इसमें एक और add हो गया, that is your economics field, और इसमें इस like 1968 के बाद से इसमें prizes दिए जाने लगे. So this year, Mr. Darren, जो कि Turkish American economist हैं, Mr. Simon Johnson, ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, एंड मिस्टर जेम्स ए रॉबिन्सन, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट. इन तीनों को ही ये अवार्ड दिया जा रहा है, इस बार ये प्राइज दिया जा रहा है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी. सो इफ यू वांट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड मेक नोट्स बाय योरसेल्फ. सो फॉर दिस नोबेल प्राइज 2024, एज आई हैव टोल्ड यू कि किन्हें किन्हें मिलने वाला है, ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है. नाउ वी विल लुक फॉर 10th दिसंबर. जिस दिन ये अवार्ड दिया जाएगा, किन्हें किन्हें दिया जाएगा, ये ऑलरेडी अनाउंस है, बट कब दिया जाएगा, 10th ऑफ दिसंबर को. ये सारी डिटेल्स हैं. इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस एंड टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. Thank you.